तो माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से यह प्लांट को ज़रूरत होते हैं इसके बारे में भी आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शन, दैट मीन्स उन एलिमेंटों को क्लासिफाई करेंगे उनकी फंक्शन के बेसिस पर कि कौन किस तरीके का काम करता है। ओके, बेस्ड ऑन द डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पर हम इसको चार कैटेगरी में बांटते हैं। बच्चों इन एलिमेंटों को चार कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है स्ट्रक्चर में एलिमेंट, दूसरे कैटेगरी का नाम है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, तीसरे कैटेगरी का नाम है एलिमेंट एक्टिवेट एंड द इनहिबिट एंजाइम, चौथे कैटेगरी का नाम है एलिमेंट अल्टरिंग वाटर पोटेंशियल। ओके, तो चलिए वन बाई वन एक सबको कंप्लीट करते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द फंक्शन है, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है जो पार्टिसिपेशन लेते हैं देखते बच्चों। कंपोनेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, मतलब वो सारा बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट, जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड की और न्यूक्लिक एसिड की। ओके, तो ये सारे के सारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो है स्ट्रक्चर एलिमेंट के अंदर आते हैं और इसमें आपका कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट वाला क्या है बच्चों, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और स्ट्रक्चर एलिमेंट में हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं। बात करते हैं दूसरे नंबर की, दैट इज़ द एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। तो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड में वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए उसको अपन लोग देखेंगे। एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड प्रोवाइड द एनर्जी टू प्लांट। ओके, तो ये एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड होते हैं, यह प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके, अच्छे से डेवलपमेंट कर सके और डैमेज सेल का प्रिपेयर कर सके या रिपेयर कर सके। ओके बच्चों, देखिए मैग्नीशियम इन द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मैग्नीशियम जो है इन द क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन द एटीपी की फॉर्म पर एनर्जी जरूरत पड़ती है। तीसरा एक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शन की बात करें तो तीसरा नंबर जो है वह है एलिमेंट एक्टिवेटेड और इनहेबिटेड एंजाइम। एंजाइम का क्या रोल है? एक्टिवेट और इनहेबिटेड एंजाइम ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स प्लांट के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म में एक्टिवेट करने के लिए इन एंजाइमों की जरूरत पड़ती है। उसमें हम बात करते हैं Mg2 की, दैट इज द मैग्नीशियम आयन। एक्टिवेटर होता है रेबलूज बाइस फॉस्फेट और कार्बोक्सिलिजिनेज और द फास्फोनॉल एंड पायरूबेट। उसके बाद क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलेज देन फोटोसाइंथेटिक कार्बन फिक्सेशन जिंक प्लस आयन एंड एक्टिवेटर ऑफ द एल्कोहल दैट इज द हाइड्रोजिनोज एंड द MO ऑफ द नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि मेटाबॉलिज्म के जितने भी काम प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ों की सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें कई एंजाइम आपके शामिल है, रेबलोज बाइफॉस्फेट है, कार्बोक्सिलेज जिनेज है और फास्फोनेल पायरूबेट है, कार्बोक्सिलेज है, ये है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन है और जिंक प्लस आयन को एक्टिवेट करने के लिए आपके कौन से हैं, एल्कोहल डाइहाइड्रोजिनेज है, MO को करने के लिए नाइट्रोजनस जीन है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म है। ओके, चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर में बात करेंगे हम एलिमेंट अल्टरिंग वाटर पोटेंशियल की। तो ओके, तो अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो सेल का होता है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो पोटेशियम है वह ओपनिंग करने का काम करता है किसको, स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोज करने का जो रेगुलेशन है वह एक मिनरल्स के द्वारा किया जाता है, दैट इज द पोटेशियम। ओके, पोटेशियम एक तरीके का एलिमेंट है और मिनरल्स भी है प्लांट के लिए, तो यह डिसाइड करता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम को, रेगुलेट करता है वाटर पोटेंशियल को ऑफ द सेल को भी। ओके, कौन? पोटेशियम। आगे बढ़ेंगे। अब यहां से देख सकते हो इन न्यूट्रिशन का नाम क्या है, कहां से मिलते हैं और किस तरीके से ये फंक्शन को अंजाम देते हैं। देखिए एलिमेंट ऑप्टेन एज अ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है कई फॉर्म पे प्लांट को मिल पाता है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड आयन और NH3 या NH4 के, दैट मीन्स अमोनिया के फॉर्म पर भी मिल पाता है। दूसरे हम बात करेंगे फास्फोरस की, जिसको कि आपको कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये H2PO4 के तौर पर प्लांट को जरूरत पड़ती है और HPO4 के तौर पर प्लांट को जरूरत पड़ती है। प्लांट का कौन सा रीजन है जो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है जिसको, और प्लांट का कौन सा रीजन है जिसको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है? तो देखिए थ्रू आउट ऑफ द प्लांट बॉडी पर्टिकुलर इन द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, यंगर टिश्यू जो रहते हैं विदड्रॉन फ्रॉम द ओल्डर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल को जरूरत पड़ती है फास्फोरस की,
फंक्शन क्या रहता है, नाइट्रोजन काम क्या करता है जाके प्लांट में, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन का और हार्मोन्स का। ओके, फास्फोरस का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल का, मेम्ब्रेन का। ओके, कंटेन करके रखता है प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड्स को, नीडेड टू ऑल फोटो हाइड्रोलेशन रिएक्शन और फास्फोरिलेशन रिएक्शन पे भी फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिफेंसेस सिम्टम्स क्या है, यदि ये एलिमेंट दैट इज द नाइट्रोजन और फास्फोरस यदि प्लांट को कमी होने लगे तो किस तरीके के सिम्टम्स प्लांट शो करते हैं, तो ये है क्लोरोरेसिस। दैट मीन्स क्लोरोरेसिस मतलब क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है, डर्मेंसी ऑफ द लेटरल बड्स, लेटरल बड्स में इफेक्ट पड़ता है, लेट फ्लावरिंग आते हैं। ओके, पर्पल कलरेशन हो जाता है सूट एक्सिस का। ओके, और व्रिंकल ग्रेन्स होते हैं, जो इनके सीड रहते हैं वह सिकुड़े हुए और छोटे किस्म के आते हैं, एंड इनहेबिटेड ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस में भी ये क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। और ये इस तरीके के यदि किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देती हैं तो ऐसे केसेस पर प्लांट को हमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोवाइड करवानी चाहिए। फास्फोरस के केस में क्या है, डिले इन द सीड जर्मिनेशन, दैट मीन्स यदि हमने सीड को सोविंग किया सॉइल में, ओके, और जर्मिनेशन जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो इस केसेस के ये किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द फास्फोरस की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है, पर्पल स्पॉट ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर पर्पल स्पॉट आ जाता है तो वो फास्फोरस की कमी को बताता है। ओके, और परमेचर फॉल ऑफ लीफ इन द फ्लावर बड्स, और साथ में लगातार फ्लावर लीफ का और फ्लावर बड्स का लगातार गिरना भी एक तरीके का सिम्टम्स है, डिफिशियंसी सिम्टम है किसका बच्चों, फास्फोरस का। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करेंगे और उनमें किन किन तरीकों के फंक्शन को अंजाम देते हैं प्लांट बॉडी में देखेंगे। दैट इज अ पोटेशियम, पोटेशियम में क्या है बच्चों, यहां देख लेना आप पहले ना कि किसका है, यस रीजन ऑफ द, वो कौन सा रीजन जिसको प्लांट को जरूरत पड़ती है, काम क्या है और डिफिशियंसी क्या है। ओके, तो पोटेशियम की जरूरत जो है बड्स को पड़ती है, लीफ को पड़ती है, रूट टिप को पड़ती है, आल्सो इन द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को भी पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम की जरूरत मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को पड़ती है, माइटोसिस स्पेंडल फॉर्मेशन के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। फंक्शन क्या है, ऑनियन कैटायन बैलेंसिंग को मैकेनिज्म, सेल के अंदर जो है एनायन और कैटायन के बैलेंसिंग को कंप्लीट करते हैं पोटेशियम। दूसरा क्या है, प्रोटीन सिंथेटिक में मददगार होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा टारगेटली ऑफ द सेल, और साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा को भी क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कौन, पोटेशियम प्लांट में। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए कैल्शियम का फंक्शन क्या है, इन्वॉल्विंग इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल, समान फंक्शन सेल के में भी ये हमेशा मदद करता है, शामिल रहता है। ओके, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, और साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो रहती है किसके बच्चों, प्लांट का, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, और साथ में सेल वॉल के सिंथेसिस में भी ये मददगार होता है। फाउंड इन द कैल्शियम पिक्टेट इन द मिडिल लेमा, ओके, और मिडिल लेमा में कैल्शियम पैक्टेट के तौर पर यह पाया जाता है, कौन, कैल्शियम। तो इसका हमने अभी फंक्शन भी देख लिया, अब देखते हैं कि डिफिशियंसी से कौन कौन से सिम्टम आते हैं। पोटेशियम के से जो कमी है उसकी वजह से आपका क्या है बच्चों, क्लोरोसिस इन द इंटरवेनल एरिया में क्लोरोसिस होने लगता है, स्कॉर्च लीफ टिप में स्कॉर्च दिखाई देती है, सॉर्टेड इंटरनोड रहते हैं, इंटरनोड जो रहते हैं वो सॉर्टेड होने लगते हैं, और डाई बैक लॉस ऑफ द एपिकल पार्ट। ओके, डोमिनेंस, दूसरा क्या है, डोमिनेंस लॉस ऑफ द कैम्बियल एक्टिविटी, दैट मीन्स डोमिनेंस में यदि हम देखें तो कैम्बियल एक्टिविटी की लॉस होती है, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्लास्टिक्स एंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, और कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से इंक्रीजिंग हो जाती है रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ द एपिकल डोमिनेंस, और साथ में एपिकल डोमिनेंस की भी लॉस यदि प्लांट में दिखाई देता है तो हम ये समझते हैं बच्चों कि कहीं ना कहीं प्लांट को किसकी कमी हो रही है, पोटेशियम की कमी हो रही है, और उसको हमें जल्दी से कंप्लीट करनी चाहिए। कैल्शियम की कमी की वजह से कुछ किस तरीके के आते हैं बच्चों, नेक्रोरोसिस और स्टंटेड ग्रोथ होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, नेक्रोसिस होता है और स्टंटेड ग्रोथ, दैट मीन्स ग्रोथ में थोड़ी सी रुकावट आती है कैल्शियम की कमी की वजह से प्लांटों में। आगे देखिए, मैग्नीशियम की कमी की वजह से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैग्नीशियम लीफ इट इज़ द विथड्रॉल फ्रॉम द एजेंसी लीफ एंड द ट्रांसपोर्ट टू द डेवलपमेंट सीड। ओके, तो ट्रांसपोर्ट में मैग्नीज का बहुत ज़्यादा मदद रहता है, और डेवलपमेंट ऑफ सीड में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, मैग्नीशियम।
दूसरा क्या है, सल्फर यंग लीफ में इंपॉर्टेंट रोल लेता है, यंग लीफों के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेम और रूट टिप के लिए भी सल्फर का होना बेहद जरूरी है। आयरन के क्या है, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ओके, पर्टिकुलरली फाउंड अलॉन्ग द लीफ बीन्स, लीफ बीन्स जो रहते हैं, लीफ बीन्स किसको बोलते हैं, लीफ ये है, लीफ के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है जिसको आप लोग लीफ बीन्स बोलते हैं, ओके, लेमा के अंदर वाला हिस्सा लीफ बीन्स कहलाते हैं। तो उसकी में उसके भी सही प्रॉपर ढंग से डेवलपमेंट हो सके इसके लिए हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। फंक्शन क्या है, मैग्नीशियम सल्फर और आयरन ये काम क्या करते हैं प्लांट बॉडी में, तो देखिए, इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फॉर्फोरिन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फॉर्फोरिन रिंग स्ट्रक्चर में मददगार होता है कौन बच्चों, मैग्नीज। स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम मेंटेन, मतलब जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी मैग्नीज की जरूरत पड़ती है, और साथ में एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर के तौर पर भी यूज किया जाता है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस में। सल्फर का क्या फंक्शन है, सल्फर जो है क्या करता है बच्चों, सेंटेन एंड द मैथियोनिन अमीनो एसिड कंटेन सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फेरोक्सिन प्रोटीन एंड विटामिन थायमिन बायोटिन एंड द को एंजाइम, ओके, तो इन क्षेत्रों में उसका फंक्शन रहता है किसका बच्चों, सल्फर का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लाइक द फेरोक्सिन प्रोटीन एंड द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड इंटर कन्वर्ट इट सेल्फ आयरन 2+ आयन इंटू द आयरन 3+ आयन क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड द कैटालेस एक्टिवेटर। तो यहाँ मुझे मेरे ख्याल से कि आयरन में यदि किसी तरीके से फंक्शन को आपको पढ़ना है समझना है तो आप दो चीज़ों को दिमाग में रखिए कि यह क्लोरोफिल फॉर्मेशन पे मददगार होता है और कैटालेस के एक्टिवेटर के तौर पर भी ये काम करता है। ओके, बात करते हैं किसकी, मैग्नीज की, मैग्नीज की डिफेंसेंसी सिम्टम्स की। तो मैग्नीज की कमी यदि प्लांटों में होता है तो वेनियल क्लोरोलिसिस और नेक्रोटिक पर्पल स्पॉट आ जाते हैं ओल्डर लीफ में, पुराने जो लीफ रहते हैं प्लांट में उसमें कुछ पर्पल कलर के स्पॉट धब्बे आ जाते हैं, प्रेमेचर लीफ फॉल और लगातार जो पत्ते गिरने की समस्या है वह लगातार बढ़ने लगती है मैग्नीज की कमी की वजह से। ओके, सल्फर की कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है बच्चों, क्लोरोसिस देखने को मिलता है, ग्रोथ में इफेक्ट करता है, एक्युमुलेशन हो जाता है एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट का और रिडक्शन हो जाता है किसका, नोड्यूल फॉर्मेशन में और लेग्यूमिनस प्लांट में, और साथ में डिफोलिएशन हो जाती है किसकी, टी लीफ की, मतलब जो टी लीफ है वह भी लगातार गिरने लगते हैं। आयरन का क्या है, आयरन जो है क्लोरोसिस और टाइपिकली सिम्टम्स को शो करता है और आयरन डिफिशेंसी की वजह से भी प्लांट में अलग अलग तरीके के मतलब इंडिकेटर देखने को मिलते हैं कि आयरन की कमी हो रही है।